नमस्कार दोस्तों, आज यश टीवी पे हम बात करने वाले हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड के बारे में। 2001 में अशोक लेलैंड का एक शेयर केवल 2 रुपए में मिलता था और अभी 2018 में अशोक लेलैंड का एक शेयर लगभग 130 रुपयों में बिकता है। मतलब अगर कोई 2001 में अशोक लेलैंड के शेयर्स में केवल 50,000 रुपयों का भी निवेश करता तो आज की तारीख में उन शेयर्स की वैल्यू 30 लाख रुपयों से भी ज्यादा होती। इतना ज्यादा मुनाफा शेयर मार्केट के अलावा शायद ही कहीं मिलता होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC इंडिया के पास आज अशोक लेलैंड के 4 करोड़ शेयर्स है और भारत सरकार के पेंशन फंड के पास अशोक लेलैंड के 5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स है। अभी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो आखिर इन शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों चलिए पता लगाते हैं अशोक लेलैंड कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। कंपनी के फाउंडर रघुनंदन सरन भारत के स्वातंत्र्य से पहले रावलपिंडी में अपने पिता का गाड़ियों का वर्कशॉप चलाते थे। उनके पिता वहाँ के एक रईस आदमी थे और उनका बहुत बड़ा नाम था और इसी वजह से लोग रघुनंदन को भी उतनी ही इज्जत देते थे जो रघुनंदन को जरा भी पसंद नहीं था। वे हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, अपना एक विशाल कारोबार चलाना चाहते थे। वे बचपन से ही बड़ा सोचते आए थे और इसी बात का उन्हें आगे जाके बहुत फायदा हुआ। 1948 में रघुनंदन सरन ने अशोक मोटर्स नामक कंपनी की शुरुआत मद्रास में करी। ये कंपनी विदेशों से गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट कर ऑस्टिन मोटर्स की 4-व्हीलर गाड़ियां असेंबल करने का काम करती थी। इस बिजनेस में आगे जाके उन्हें ये पता चला कि स्वतंत्र भारत को निजी वाहनों से ज्यादा देश के कोने कोने तक माल पहुंचाने वाले ट्रक्स यानी कमर्शियल व्हीकल्स की ज्यादा जरूरत थी। वे पहले भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे और अभी भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे। इसीलिए 1952 से अशोक मोटर्स और एक ब्रिटिश कंपनी लेलैंड के बीच पार्टनरशिप के लिए बातचीत शुरू हुई। तभी अशोक मोटर्स को आर्थिक मदद करने के लिए मद्रास राज्य सरकार ने कुछ निवेशकों के साथ मिलकर उनकी कंपनी में निवेश किया। 1953 में रघुनंदन सरन की विमान दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन तब तक वे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नींव बना चुके थे। आगे जाकर मद्रास राज्य सरकार ने कंपनी की ओनरशिप ले ली और लेलैंड मोटर्स के साथ फिर एक बार बातचीत शुरू करी। 1954 में दोनों कंपनीज के बीच डील फाइनल हुई और कंपनी का नाम बदल के अशोक लेलैंड रख दिया गया। इस डील के कारण कंपनी को बहुत फायदा हुआ था। अशोक लेलैंड एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ट्रक्स और बसेस भारतीय बाजार में सबसे पहले उतारने लगी थी। मार्केट में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती तो उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले भारत में लॉन्च करने वाली कंपनी हमेशा अशोक लेलैंड ही होती थी। अशोक लेलैंड ने मस्कुलर ट्रक्स की सेगमेंट में अपनी एक रेपुटेशन कायम करी और अपने कस्टमर्स के लिए मजबूत बनावट के ट्रक्स सप्लाई करती रही। कुछ सालों बाद अशोक लेलैंड की ओनरशिप हिंदुजा ग्रुप ने खरीद ली। हिंदुजा ग्रुप का नाम जुड़ने से अशोक लेलैंड को बहुत फायदा हुआ। आगे जाके कंपनी को इंडियन आर्मी के लिए ट्रक्स बनाने का टेंडर मिला और तभी से लेके आज तक अशोक लेलैंड इंडियन आर्मी के लिए मजबूत ट्रक्स बनाती है। इसके बाद अशोक लेलैंड को पब्लिक बसेस बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था और आज की तारीख में पूरे देश भर में चल रही सरकारी बसेस में हर एक 5 में से 4 बसेस अशोक लेलैंड की होती है। सिंगल और डबल डेकर जैसे कई यूनिक मॉडल भारत के हाई डेंसिटी वाले रास्तों के लिए अशोक लेलैंड ने डिज़ाइन किए हैं। आज पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज़ अशोक लेलैंड की बनाई पब्लिक बसेस में सफ़र करते हैं। 2016 में अशोक लेलैंड ने अपनी सबसे पहली फुल्ली इंडियन इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अपनी रेपुटेशन कायम रखी। आज की तारीख में अशोक लेलैंड जितनी इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं बनाती। अशोक लेलैंड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। और अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अशोक लेलैंड दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनीज में से एक है जो ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स के लिए ट्रक्स बनाती है। अशोक लेलैंड का टोटल मार्केट कैपिटल 35,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन हर हफ्ते मिलती रहे।